नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सिंह जसरोटिया, टीचर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज कठुआ से आज एक नए विषय को लेने जा रहा हूँ, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग लॉस, कि लॉ से हमें हमारा क्या अभिप्राय है या लॉ हम किसको कहते हैं। इसके साथ ही जैसे बच्चों हमने पहले 3 यूनिट किए थे, 3 चैप्टर किए थे सिविक्स के, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम नए विषय को लेने जा रहे हैं। ये सिविक्स का 4th यूनिट है और यूनिट सेकंड है, यानी कि सेकंड ब्लॉक है। तो आज इस पे हम बात करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग लॉस, लॉस क्या होते हैं, इनसे हमारा क्या अभिप्राय है, लॉ किस तरह से बनते हैं, पहले कैसे लॉ होते थे, उसके बाद आज वर्तमान समय में, प्रेजेंट लाइफ में किस तरह के लॉ जो है भारत में चल रहे हैं। तो इससे पहले कि यू मे बी फैमिलियर विद सम लॉस, कि आप कुछ लॉज को शायद जानते होंगे, सच एज दोज दैट स्पेसिफाई द एज ऑफ मैरिज, जैसे एज ऑफ मैरिज भारत में कितनी होती है, या द एज एट विच ए पर्सन कैन वोट, किस उम्र से अधिक व्यक्ति वोट देने का हक रखता है, एंड परहैप्स इवन द लॉज डीलिंग विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रॉपर्टी। तो जो भी प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का जो भी कानून है, इन आम जो नियम है हम इनके बारे में हम जानते हैं। तो वी नो दैट द पार्लियामेंट इज इन चार्ज ऑफ मेकिंग लॉज। ये आप सभी जानते हैं बच्चों कि जो लॉज हैं, ये लॉ सारे कहाँ पे बनते हैं, ये सारे पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि लॉ पार्लियामेंट ही इसका इंचार्ज होती है। तो ऑन दीज लॉज अप्लाई टू एवरीवन, और ये सारे लॉ जो हैं सभी व्यक्तियों के लिए अप्लाई होते हैं। जो भी संसद में हमारे नियम बनते हैं या कानून बनते हैं, वो सभी लोगों के लिए मान्य होते हैं। हाउ डू न्यू लॉ कम इन टू बींग, हम इस चैप्टर में अब पढ़ेंगे कि किस तरह से नए लॉ फ्रेम होते हैं, किस तरह से नए लॉ बनते हैं, उनके पीछे क्या आधार होते हैं, एंड कुड देयर बी लॉज दैट आर अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल, कौन से लॉ हैं जो अनपॉपुलर होते हैं, कौन से लॉ हैं जो कंट्रोवर्शियल होते हैं, व्हाट शुड वी एज सिटीजन डू अंडर सच सर्कमस्टांसेस। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर लॉ कंट्रोवर्शियल है या अनपॉपुलर है, तो उस कंडीशन में हम एज ए नागरिक, हम एज ए सिटीजन जो है क्या रोल प्ले कर सकते हैं, या इन परिस्थितियों में हम क्या करें। तो इससे पहले कि हम चैप्टर को स्टार्ट करें, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, यूनिट 1 में हमने उसमें पढ़ा था कि जो मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर एग्रीड देयर शुड बी नो आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ द पावर इन द इंडिपेंडेंट इंडिया। जब भारत आजाद हुआ, तो आजादी के तुरंत बाद जैसे ही कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी, हमारा संसद बनी, या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें कुछ नियम बने, कुछ कानून बने इंडिपेंडेंट इंडिया में, लेकिन वो सारे नियम या कानून जो थे वो आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज नहीं थी, यानी कि वो अपनी मर्जी से किसी ने नहीं बनाए। दे देयर फॉर इंस्टीट्यूट सेवरल प्रोविजन्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंदर वो सारे प्रोविजन रखे गए दैट वुड इस्टेब्लिश रूल ऑफ लॉ, जिससे हमारा देश का रूल ऑफ लॉ या बन सके। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट था ऑफ दीज वॉज दैट ऑल पर्सन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर लॉ, कि लॉ की दृष्टि में भारत में हर नागरिक इक्वल है, हर सारे पर्सन जो हैं इंडिपेंडेंट इंडिया में लॉ की दृष्टि में इक्वल हैं। लॉ कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड बिटवीन पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट और जेंडर, कि लॉ की दृष्टि में धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे या लिंग के आधार पे किसी के साथ भी किसी तरह का भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, या किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा जाएगा। तो व्हाट द रूल ऑफ लॉ मींस, अब रूल ऑफ लॉ किसको कहते हैं हम, इज दैट ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, नो वन कैन अबव द लॉ, यानी कि सभी नागरिकों के लिए लॉ की एप्लीकेबिलिटी सेम रहेगी, सभी के लिए सब मान्य होगा, एंड नो वन कैन बी अबव द लॉ, लॉ से ऊपर कोई भी नहीं होगा, यानी कि कानून से ऊपर इस देश का कोई भी नागरिक नहीं होगा, चाहे वो कितना भी वेल्दी हो, चाहे वो कितनी भी हायर पॉलिटिकल पोस्ट पे हो। तो नाइदर ए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ना वो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल, ना ही कोई वेल्दी पर्सन, नॉर इवन द प्रेजिडेंट ऑफ कंट्री इज अबव द लॉ, जो हमारे माननीय राष्ट्रपति जी हैं,
इसके अलावा कोई भी जो अमीर व्यक्ति है, इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वो इस लॉ से ऊपर नहीं होगा जो नियम हमारे संविधान के दायरे में बनाए जाएंगे। तो एनी क्राइम, कोई भी क्राइम या कोई भी वायलेशन ऑफ लॉ होता है तो हैज स्पेसिफिक पनिशमेंट एज वेल एज ए प्रोसेस थ्रू विच ए गिल्ट ऑफ ए पर्सन हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड। तो यानी कि कोई भी व्यक्ति कोई क्राइम करता है या लॉ की वायलेशन करता है तो उसकी पनिशमेंट एक प्रोसेस के जरिए जो है उसको कसूरवार ठहराती है, तो उसको उस तरह से उसकी सजा निर्धारित की जाती है। बट इट वॉज ऑलवेज लाइक दिस, तो ये हमेशा एक जैसा होता है या नहीं होता है, अब इस पर भी बात करेंगे हम। तो जो एंशियंट इंडिया था, यानी कि प्राचीन भारत की अगर हम बात करें, जिस समय यहाँ पे राजाओं का शासन था, तो देयर वर इन्यूमरेबल एंड ओवरलैपिंग लोकल लॉज। तो राजा ने बहुत सारे लोकल लॉज लगा रखे थे, या जो भी राजा हुआ करते थे या किसी तरह का भी जो जमींदारी सिस्टम होता था, तो वहां पे लोकल लॉज चलते थे उस समय। तो डिफरेंट कम्युनिटी इंजॉय डिफरेंट डिग्रीज ऑफ ऑटोनॉमी, तो वहां पे अलग अलग कम्युनिटीज को अलग अलग तरह की ऑटोनॉमी दे रखी थी, पावर दे रखी थी इन एडमिनिस्ट्रेटिंग दीज लॉ, कि इन लॉ को प्रशासनिक तौर से किस तरह से लागू करना है। तो इस तरह से उस समय क्या था, लॉज वो अपने ढंग से कानून बनाते थे और अपने ढंग से ही उनको लागू करते थे। तो इन सम केसेस पनिशमेंट दैट टू पर्सन रिसीव्ड फॉर सेम क्राइम वेरीड डिपेंडिंग अपॉन देयर कास्ट बैकग्राउंड। तो उस समय क्या होता था कि जो पनिशमेंट निर्धारित की जाती थी, या एक सेम क्राइम के लिए दो अलग व्यक्तियों को अलग अलग पनिशमेंट हुआ करती थी। अब वो किस आधार पे होती थी, वो उसकी बैकग्राउंड देख के, कि वो किस कास्ट का है या किस रिलीजन का है या फिर किस इकोनॉमिक वेल्थ का है। तो इस तरह से कहता हूं, उस समय क्या था कि विद लोअर कास्ट बीइंग हार्शली पनिश्ड, तो जो लोअर कास्ट था उसको ज्यादा हार्शली पनिश्ड किया जाता था। दिस स्लोली बिगेन टू चेंज एज सिस्टम ऑफ द लॉ बिगेन टू फर्दर इवॉल्व ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। तो ये सिस्टम धीरे धीरे बड़ा बदला, और आगे जैसे जैसे ये कॉलोनियल पीरियड आया तो ये सारा सिस्टम जो था चेंज होके एक नई लॉ की फॉर्मेशन में आ गया। इट इज ऑफन बिलीव दैट इट वॉज द ब्रिटिश कॉलोनीज हु इंट्रोड्यूस द लॉ ऑफ लॉ इन इंडिया। तो इसके बाद जैसे ही मैंने बताया कि जो हमारे एंशियंट इंडिया के लॉज थे, जैसे ही वो आगे चरम में बढ़ते गए, उसके बाद ब्रिटिशर्स जब भारत में आए तो वो उन्होंने जो लॉज यहाँ पे बनाए वो बिल्कुल ही डिफरेंट ढंग के लॉज जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए। उनके लॉज जो थे वो टोटली आर्बिटरीज लॉज थे। आर्बिटरी का मतलब होता है कि जो उनके मन में था, जो उनके जैसा उन्होंने मन चाहा वैसा ही उन्होंने लॉ की फ्रेम कर दिया, लॉ को फ्रेम कर दिया। तो जो हमारे हिस्टोरियंस हैं हैव डिस्प्यूटेड दिस क्लेम ऑन सेवरल ग्राउंड्स। तो हमारे हिस्टोरियन भी इस बात पे डिस्प्यूट करते हैं या इस बात पे डिफरेंट व्यूज रखते हैं, जैसे टू ऑफ विच इंक्लूड, जैसे फर्स्ट द कॉलोनियल लॉ वाज आर्बिटरी। पहला व्यू कहता है कि जो कॉलोनियल लॉ थे वो आर्बिटरी थे, लेकिन दूसरा जो व्यू था हिस्टोरियंस का, दैट इंडियन नेशनलिस्ट प्ले प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लीगल स्फीयर इन द ब्रिटिश इंडिया। लेकिन दूसरा व्यू कहता है हिस्टोरियंस का कि जो हमारे इंडियन नेशनलिस्ट थे, जो भारतीय राष्ट्रवादी लोग थे, उनके द्वारा लीगल स्फीयर जो था चलता था, उनके ही कारण जो है उनकी अनुसार जो है ला चलते थे। तो ये एक एग्जाम्पल हम इसकी देते हैं कि जैसे आर्बिटरीज दैट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट पार्ट ऑफ ब्रिटिश लॉ। अगर ब्रिटिश लॉ की बात की जाए तो उसमें एक सिडिशन एक्ट बना 1870 में। तो सिडिशन एक्ट का मेन जो मकसद था वो जो था कि कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट कूड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यू ट्रायल, कि विदाउट ट्रायल जो है उसको वो प्रिजन में डाल सकते थे, वो जेल में डाल सकते थे या उसको अरेस्ट कर सकते थे। तो इस तरह से एक सेडिशन एक्ट बना 1870। इसी की कड़ी में आपने एक रॉलेट एक्ट का बच्चों नाम सुना होगा। रॉलेट एक्ट में क्या था, वो भी एक ब्रिटिश आर्बिटरीज लॉ था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या करती थी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेशनलिस्ट, इवन महात्मा गांधी को भी, जो भी नेशनलिस्ट था, अगर वो सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज उठाता है या प्रोटेस्ट करता है तो बिना ट्रायल के, बिना
उसकी सुनवाई के उसको 2 साल का कारावास दिया जाता था। तो ये एक रॉलेट एक्ट था जिसके तहत 10 मार्च 1919 को इस एक्ट को जो है इफेक्ट में लाया गया। लेकिन इसी के अगेंस्ट जो भारत के क्रांतिकारी थे, जैसे आपको पता होगा कि पंजाब में इसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट हुआ और अप्रैल 10 को 2 हमारे जो क्रांतिकारी लीडर थे, जिस एक का नाम जैसे डॉक्टर सत्यपाल था, दूसरे डॉक्टर सैफुद्दीन थे किचलू, तो उनको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद क्या हुआ कि उनको, जैसे मैंने बताया कि 13 अप्रैल को एक प्रोटेस्ट इनकी जो इनको जो अरेस्ट किया गया, इसके खिलाफ एक छोटा सा प्रोटेस्ट रखा गया था जलियांवाला बाग में। उस दिन 13 अप्रैल थी, उस दिन बैसाखी का था, बूढ़े बच्चे सारे व्यक्ति जो थे वहां पे त्योहार मनाने के लिए आए थे। तो जब जनरल डायर को ये पता चला कि कोई उनके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहा है, जो उन्होंने 2 क्रांतिकारियों को पकड़ा है, तो उन्होंने एक तंग रास्ते से सारा ब्लॉक कर दिया। जैसे आपको पता होगा जलियांवाला बाग में, अगर बच्चों आप गए होंगे, तो एक तंग रास्ता है, उस रास्ते को ब्लॉक करके उन्होंने पूरे सराउंडिंग जो है पूरा जलियांवाला बाग को घेर के ओपन फायर किया। और ओपन फायर में सैकड़ों बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं जो थी वहां पे मारे गए, कुछ जख्मी हुए। तो उसके खिलाफ जो है फिर एक जलियांवाला बहुत बड़ा एक हत्याकांड बना। तो ये एक मैंने जैसे बताया कि एक लॉ के अगेंस्ट जो था ये सारा प्रोटेस्ट था, और इस तरह से एक आर्बिटरी लॉ था जिसके खिलाफ जो था भारत के क्रांतिकारी लोगों ने आवाज उठाई। तो ये इसी कड़ी में फिर जो नेशनलिस्ट लीडर थे हमारे, जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, बिगेन प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग आर्बिटरी यूज ऑफ अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ फिर उन्होंने क्रांति तेज की। दे ऑल्सो बिगेन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वालिटी एंड वॉन्टेड टू चेंज द आइडियाज ऑफ लॉज फ्रॉम द सेट ऑफ रूल्स दैट दे फोर्स टू ओबे। तो उन्होंने उन जो लॉज थे जो सरकार के, उनके खिलाफ जो था आवाज उठाई और उनको मानने से मना कर दिया। टू लॉ एज इंक्लूडिंग आइडियाज ऑफ जस्टिस, जिसमें आइडिया ऑफ जस्टिस नहीं होगा। तो देयरफॉर देयर आर सेवरल वेज विच इंडियन प्ले ए मेजर रोल इन द इवोल्यूशन ऑफ रूल ऑफ लॉज ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। तो ये एक छोटा सा मैंने उदाहरण दिया था रॉलेट एक्ट के जरिए। एक सिडिशन एक्ट बना, सिडिशन एक्ट के बाद ये रॉलेट एक्ट बना जो भारतीय लोगों के खिलाफ था। तो इस तरह से ये एक एग्जाम्पल था छोटा सा। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे वेज थे जिसमें इंडियंस ने जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ताकि जो इवोल्यूशन थी रूल ऑफ लॉ की कॉलोनियल पीरियड में, उसमें अपना रोल जो था वो प्ले कर पाते। फिर आपको पता है बच्चों की जब भारत आजाद हुआ, गुलामी की जंजीरों से जब हम आजाद हुए भारत, तो विद अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। और दिस डॉक्यूमेंट सर्व एज ए फाउंडेशन ऑन विच अवर रिप्रेजेंटेटिव बिगेन मेकिंग लॉ फॉर द कंट्री। तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे, हमारे जो जिनको हम चुन के भेजा था, जो MP MLA जिनको हम बोलते हैं, तो अब उन्होंने रूल ऑफ लॉ जो है वो बनाने का उनको जिम्मा दिया गया। तो एवरी ईयर अवर रिप्रेजेंटेटिव पास सेवरल न्यू लॉज। तो आज हम जिन रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं तो वो हमारे लिए एक नए लॉज बनाते हैं, एज वेल एज अमेंड एग्जिस्टिंग वंस। और जो पुराने लॉज हैं जो समाज के लिए नहीं सही हैं, उनको वो अमेंड कर देते हैं, बदल देते हैं। जैसा कि बच्चों मैंने आपको, जैसा कि आपने 6th क्लास की किताब में पढ़ा होगा कि एक हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट बना 2005 में, उसमें क्या था, ये एक नया लॉ था 2005 में इसका एक्ट को लाया गया। तो इसमें कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ सन, डॉटर एंड देयर मदर्स कैन गेट इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। इनको बराबर का शेयर मिलेगा, पहले ऐसा प्रोविजन नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में, कानून में तो ऐसा प्रोविजन नहीं था। 2005 में एक हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट बना, उसमें जो बच्चा है, उस बेटी है और साथ में जो मदर है, उनको इक्वल शेयर दिया जाएगा फैमिली प्रॉपर्टी के अंदर। तो इस तरह से कहते हैं कि हाउ डू पीपल कम टू थिंक एंड पर्पस दैट ए न्यू लॉ इन द नेसेसरी। अब हमें कैसे पता चले कि कौन सा लॉ भारत में आएगा या कौन से लॉ जो हैं वो बनेंगे, किस तरह से बनते हैं, आज इस पे भी चर्चा करेंगे। आप
हाउ डू ए न्यू लॉज कम अबाउट, अब न्यू लॉज कैसे बनते हैं। जैसे मैंने एक आपको उदाहरण दिया बच्चों कि जैसे हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट बना था 2005 में, ठीक है ना, तो शायद इसी की कड़ी में एक और लॉ भी बना था, अब उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि पार्लियामेंट हैज इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज। पार्लियामेंट का एक बहुत बड़ा रोल रहता है लॉ मेकिंग में, क्योंकि पार्लियामेंट ही मेन इंस्टीट्यूशन है जहां पे लॉ फ्रेम होते हैं। एंड देयर आर मेनी वेज थ्रू विच दिस टेक प्लेस एंड इट इज ऑफन डिफरेंट ग्रुप्स इन द सोसाइटी दैट रेज द नीड ऑफ द पर्टिकुलर लॉ। जैसे कि बच्चों आप जानते हो कि लॉज कैसे बनते हैं, सबसे पहले जो हमारे सोसाइटी के ग्रुप्स हैं, डिफरेंट सेक्शंस हैं, वो समझती हैं कि हमें इस चीज की जरूरत है, फिर उसके लिए वो या तो प्रोटेस्ट करते हैं या बार बार सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये लॉ जो है लाया जाए। तो एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ पार्लियामेंट इज टू सेंसिटिव टू द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल, और हमारी संसद का, हमारे पार्लियामेंट का ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है कि वो लोगों की डिमांड्स को या लोगों की प्रॉब्लम्स को जो है सेंसिटिव ढंग से जो है उसको सुने कि वो क्या चाहते हैं। तो हाउ द इशू ऑफ, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये शायद आपने कहीं नहीं सुना होगा, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ये किस तरह से आया, ये भी एक नया लॉ है। ये एक्ट 2006 में इंप्लीमेंट हो गया था, 2005 में इसको संसद में लाया गया। तो अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा कि ये लॉ कैसे बना था। तो हाउ इशू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस वॉज ब्रॉट इन टू अटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट में ये लॉ किस तरह से आया एंड प्रोसेस अडॉप्टेड फॉर दिस इशू टू बिकम ए लॉ, और क्या प्रोसेस था जिसके जरिए जो है ये कानून संसद में पेश हो सका। तो बच्चों अगर आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊं तो अप्रैल 1991, उस समय क्या हुआ, एंड अप्रैल 1991 में ये न्यू लॉ जो था इसको डिफरेंट फॉर्म्स में लाया गया। डिफरेंट फॉर्म्स का मतलब कि इसको अलग अलग जो समाज के दायरे थे, जो सोशल एक्टिविटीज एक्टिविस्ट थे, लायर्स थे, या डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे, या फीमेल ग्रुप्स थी, उनके अंदर ये एक आइडिया आया कि जो घरों के अंदर जो लेडीज हैं या बच्चे हैं तो उनके साथ जो है डोमेस्टिक वायलेंस होता है डिफरेंट तरह के, तो उनके खिलाफ जो है एक नया लॉ जो है लाया जाए, उनके खिलाफ एक नया आइडिया उन्होंने डिफरेंट फोरम्स ने रखा। तो 1999 में कहते हैं कि जो लायर्स थे, लायर्स का जो ग्रुप था, इसके अलावा लॉ के स्टूडेंट्स जो थे, जो एक्टिविस्ट थे, आफ्टर नेशनल वाइड कंसल्टेशन उन्होंने पूरे राष्ट्र में क्या किया, एक हर लोगों को कंसल्ट किया एंड टुक द लीड इन ड्राफ्टिंग द डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन प्रोटेक्शन बिल। तो उन्होंने एक बिल खुद ही तैयार किया, खुद ही एक सर्कुलेट किया पूरे की एक ड्राफ्ट बने, बिल पास हो तो पूरे संसद के अंदर, ताकि जो वुमेन के साथ जो वायलेंस होता है घरों के अंदर तो उसको ठीक किया जा सके। तो इसके लिए उन्होंने मीटिंग की, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने अलग अलग मीटिंग रखी और मीटिंग के साथ उन्होंने इसको पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए जो है सरकार के ऊपर प्रेशर डाला। तो जो बिल था इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट इन 2002 में इसको जो था पार्लियामेंट के अंदर पेश किया गया, और दिसंबर 2002 में बच्चों जो स्टैंडिंग कमेटी होती है सबमिटेड इट्स रिकमेंडेशन टू द राज्यसभा। तो स्टैंडिंग कमेटी ने इसको रिकमेंडेशन के लिए राज्यसभा के पास पेश कर दिया एंड देयर वर आल्सो टेबल्ड इन द लोकसभा, और लोकसभा में भी इसके ऊपर विचार किया गया। तो जो कमेटी की रिपोर्ट थी, एक्सेप्टेड मोस्ट ऑफ द डिमांड्स ऑफ द वुमेन ग्रुप, जो कमेटी बैठी थी उस कमेटी ने जो भी उन्होंने डिमांड्स रखी थी उनमें से मैक्सिमम डिमांड को उन्होंने एक्सेप्ट किया, और फाइनली ए न्यू बिल वाज रीइंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट 2005, और इस बिल को रीइंट्रोड्यूस करके जो है 2005 में पेश किया गया। एंड आफ्टर बीइंग पास्ड, जब ये बिल पास हुआ इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, इट वाज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट। तो ये माननीय जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं उनके पास इसको अप्रूवल के लिए भेजा गया एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इन टू इफेक्ट इन 2006। तो 2006 में ये हमारा एक नया लॉ, एक नया जो है कानून जो है हमारे संसद में बन गया और फिर ये लागू हो गया। तो ये एक एग्जांपल बताया मैंने कि द रोल ऑफ सिटीजन इज क्रूशियल इन हेल्पिंग द पार्लियामेंट फ्रेमिंग डिफरेंट कंसर्न्स दैट
माइट हैव टू इनटू लॉज, तो जो हमारे नागरिक हैं, जो देश के लोग हैं, वो किस तरह से संसद की हेल्प कर सकते हैं कि अपने कंसर्न्स को बता के, ताकि वो लॉ की फॉर्मेशन में आ जाएं। तो कहते हैं फ्रॉम एस्टैब्लिशिंग द नीड ऑफ ए न्यू लॉ टू इट्स बीइंग पास्ड एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसेस द वॉइस ऑफ द सिटीजन इज क्रूशियल एलिमेंट। तो बच्चों, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि संसद के अंदर जब ये लॉ पास होता है वो कई चरणों से गुजरता है, लोकसभा से, राज्यसभा से, फिर माननीय राष्ट्रपति के पास अप्रूवल होता है। तो इस तरह से जो लोगों की आवाज है वो सबसे ज्यादा पावरफुल रहती है। तो अब बच्चों, आपको पता होगा कि अब लोग किस तरह से सरकार को बाध्य कर सकते हैं कि वो नया नियम या नया कानून लागे। तो दिस वॉइस कैन बी हियर थ्रू टीवी रिपोर्ट्स, जैसे टीवी में रिपोर्ट्स आती हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, एडिटोरियल्स हैं, रेडियो ब्रॉडकास्ट हैं, लोकल मीटिंग्स हैं, ऑल ऑफ विच हेल्प इन मेकिंग द वर्क। ये सारी चीजें काम करती हैं दैट पार्लियामेंट डज मोर एक्सेसिबल एंड ट्रांसपेरेंट टू द पीपल, ताकि पार्लियामेंट लोगों के लिए एक ट्रांसपेरेंट मैनर में जो है एक लॉ बना सके। तो इसके अलावा कुछ लॉ, जैसे बच्चों आपको पता होगा कुछ लॉ जो है पॉपुलर होते हैं, कुछ अनपॉपुलर होते हैं, कुछ कंट्रोवर्शियल होते हैं। अब इस पे बात करेंगे कि अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉज कौन से होते हैं। तो कहते हैं जो सिचुएशन वेयर द पार्लियामेंट पास द लॉ दैट टर्न आउट टू बी ए वेरी अनपॉपुलर, कहते हैं कई बार पार्लियामेंट जो है इस सिचुएशन में होती है कि वो अनपॉपुलर लॉ को भी लागू कर देती है। समटाइम्स ए लॉ कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, कॉन्स्टिट्यूशनली वो वैलिड होते हैं, लीगल भी होते हैं, बट कैन कंटिन्यू बी अनपॉपुलर, लेकिन वो अनअसेप्टेबल होते हैं, अनपॉपुलर होते हैं टू द पीपल, बिकॉज दे फील दैट इंटेंशन बिहाइंड इज इट इज अनफेयर एंड हार्मफुल, क्योंकि उस लॉ के जो इंटेंशंस हैं, जब उनके जो उसके पीछे जो मंशा होती है वो अनफेयर होती है। तो इसलिए ऐसे लॉ भी होते हैं संसद के अंदर जिनकी इंटेंशन जो थी अनफेयर या हार्मफुल होती है। तो हेंस द पीपल माइट क्रिटिसाइज दीज लॉज, तो लोग जो हैं वो इन लॉज को क्रिटिसाइज कर सकते हैं एंड होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, और वो पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं, राइट अबाउट इन द न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर में भी लिख सकते हैं, टीवी पे रिपोर्ट दे सकते हैं, टीवी चैनल्स पे बता सकते हैं। तो ये लोगों के डिफरेंट जो है डायमेंशंस होती हैं कि जिसके तहत जो है वो अपने इस जो लॉज जो हैं अनपॉपुलर हैं या जो गलत लॉज हैं उनके खिलाफ वो अपना व्यू रख सकती हैं। तो इन्हें डेमोक्रेसी लाइक अवर्स, जैसे जितने भी डेमोक्रेसीज होती हैं, जैसे भारत की जो डेमोक्रेसी है, सिटीजन कैन एक्सप्रेस देयर अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट द रिप्रेसिव लॉ फ्रेम बाय द पार्लियामेंट। अगर कोई लॉ रिप्रेसिव है जो हमें माननीय नहीं है, तो उसमें हम अपनी अनविलिंगनेस बता सकते हैं कि ये हमें मान्य नहीं है। वेन ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगिन टू फील दैट रॉन्ग लॉ हैज बीन पास्ड, अगर इसी तरह से सारे लोग सोचेंगे कि ये लॉ ठीक नहीं है, तो हेंस देयर इज अ प्रेशर ऑन द पार्लियामेंट। तो प्रेशर जो है सरकार के ऊपर या पार्लियामेंट के ऊपर बन जाता है टू चेंजेस, ताकि वो उसको बदल सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक म्यूनिसिपल लॉज है ऑन द यूज ऑफ स्पेस विद म्यूनिसिपल लिमिट, जब म्यूनिसिपल लिमिट के अंदर जो स्पेस इस्तेमाल की जाती है मेक हॉकिंग एंड स्ट्रीट वेंडिंग इलीगल। जैसे आपको पता होगा रेडी फड़ी वाले जो हैं वो रास्तों पे ही जो है अपनी सामान को बेचते हैं, तो नो वन विल डिस्प्यूट द नेसेसिटी फॉर सम रूल्स टू कीप द पब्लिक स्पेस। अब वहां पे सरकार उनके साथ किसी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं करती, क्योंकि सो दैट द पीपल वॉक ऑन द पेमेंट इजिली, क्योंकि वो बड़े आराम से जो है वहां पे अपना सामान बेचते हैं, जबकि जो वो रास्ता है आम लोगों के लिए जाने का। हाउएवर वन कैन आल्सो कैन नॉट डिनाई दैट हॉकर्स एंड वेंडर्स प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज चीपली एंड एफिशिएंटली टू द मिलियंस लिविंग इन द लार्ज सिटी। तो जो बड़े बड़े शहरों में है, तो वो हॉकर्स या वेंडर्स जो हैं वो क्या करते हैं, अपना सामान एसेंशियल सर्विसेज जो हैं वो लोगों तक देते हैं सस्ते दामों में, और इस वजह से दिस मीन्स देयर लाइवलीहुड। तो सरकार मानती है कि ये उनका लाइवलीहुड है, ये उनका सोर्स ऑफ इनकम है वहां पे काम करना, तो इसलिए सरकार जो है उनके साथ किसी तरह का भी कोई डिसीजन नहीं लेती है। तो पीपल थिंक दैट लॉ इज नॉट फेयर कैन अप्रोच द कोर्ट टू डिसाइड द इशू।
तो अगर लोगों को लगता है कि ये अनफेयर है तो वो कोर्ट में जा सकते हैं एंड द कोर्ट हैज पावर टू मॉडिफाई एंड कैंसल लॉ। तो सरकार के कोर्ट के पास ये सारे पावर्स होती हैं कि वो कोई भी चीज को, कोई भी लॉ को मॉडिफाई भी कर सकती है या उसको कैंसल भी कर सकती है। तो इफ इट फाइंड दैट दे डू नॉट एडहर द कॉन्स्टिट्यूशन, वो उसी कंडीशन में लागू करेगी जब उसके संविधान की मर्यादा जो है आहत ना होती हो। तो इसी तरह से बच्चों ये हमने पढ़ा कि किस तरह से जो है लॉज बनते हैं, लॉज किस तरह से न्यू लॉज फ्रेम होते हैं, कंट्रोवर्शियल लॉज कौन से होते हैं, या फिर ये दूसरे जो हमारे अनपॉपुलर लॉज कौन से हैं। तो ये सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वी नीड टू रिमेंबर दैट अवर रोल एज ए सिटीजन डज नॉट एंड विद इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव। तो ये हमें बच्चों आपको मानना पड़ेगा कि जब भी हम किसी को इलेक्शन के द्वारा, बोर्ड के द्वारा, हम अगर अपने रिप्रेजेंटेटिव, हम अपने एमपी, एमएलए या जो भी हम अपने रिप्रेजेंटेटिव सरकार में भेजते हैं, तो हमारी ड्यूटी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। रादर इट इज देन दैट वी बिगिन टू यूज न्यूज़पेपर, द मीडिया टू केयरफुली चार्ट द वर्क दैट इज बीइंग डन बाय अवर एमपीज। तो जो भी एमपीज हमारे काम कर रहे हैं, अगर वो सही काम नहीं कर लें, हमें केयरफुली उनको देखना है, और अगर वो सही काम नहीं करते हैं तो थ्रू द यूज ऑफ न्यूज़पेपर या मीडिया हम उनको क्रिटिसाइज करें देयर एक्शंस व्हेन वी फील इट इज रिक्वायर्ड। तो जब हमें पता चले कि ये जो काम है, जो वर्क कर रहे हैं, वो सही नहीं है या गलत है, या लॉज जो बन रहे हैं वो गलत हैं, तो आप उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। Thus, what we should be in the mind, हमें ये mind में हमेशा ये चीज बैठा के रखनी है, is that it is the extent, involvement and intrusion of the people that perhaps the parliament perform its representative functions properly। तो ये हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो इस चीज को सुनिश्चित करे कि जो हमारे laws बने हुए हैं, इनको इम्प्लीमेंटेशन या इनको जो फ्रेमिंग है लॉज की, वो सही ढंग से हो, तो उसके लिए हमें जागरूक रहना चाहिए। तो ये सारा इस चैप्टर में हमने पढ़ा। तो अभी बच्चों मैं आपको एक छोटा सा टास्क दूंगा, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, अब इसमें एक छोटा सा टास्क दूंगा, वो आप अपने कॉपी पे या अपने सब्जेक्ट टीचर को लिख के सेंड करें। आपने सिर्फ क्या करना है, रिपोर्ट ऑफ थ्री फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट। आपने अपने एरिया में तीन जो कोई भी प्रोटेस्ट आप देखते हैं या आपने देखे हैं अगेंस्ट पार्लियामेंट्री अनजस्ट लॉ, जो भी अनजस्ट लॉज हैं उनके खिलाफ, जिसको आप मानते हैं कि ये संसद में लॉ गलत पेश हुआ है, या जो लोग उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, तो ये तीन आपने तीन फॉर्म्स के प्रोटेस्ट जो है वो एक एक रिपोर्ट बना के अपने टीचर्स को भेजनी है, ताकि आपको ये पता चले कि लॉज जो है, किस तरह से लॉ जो पार्लियामेंट में पेश होते हैं वो गलत भी हो सकते हैं, वो अनजस्ट भी हो सकते हैं, तो उसके खिलाफ हम बोल सकते हैं। तो ये सारा हमारा चैप्टर था। थैंक यू। अगले चैप्टर में नए विषय को लेकर फिर हम पेश होंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।